आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाएं ताकि शीघ्र अति शीघ्र हमारी अरदास स्वीकार हो जाए। आप सभी जब हमसे मिलते हो तो क्या कहते हो कि हमारी अर्जी आप लगाओ क्योंकि आपकी बाबा सुनते हैं। आज आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से मेरी अरदास सुनवाई होती है उसी प्रकार आपकी सुनवाई होगी। अब आपको मुझे क्या किसी को नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई मेरी अरदास लगा दे, बाबा मेरी सुनते नहीं, सभी की सुनेंगे, लेकिन जो बताया जाए वैसा करना पड़ेगा। अब जैसे कि YouTube के इतिहास में सबसे पहली वीडियो इस दास को बनाने का मौका मिला था कि बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाई जाती है। उससे पहले मैंने खुद बाबा श्याम को उसी तरीके से अरदास लगाई थी, बाबा ने मेरा काम किया। उसके बाद फिर YouTube पर वीडियो बनाई गई। फिर मैंने जब ये वीडियो बनाई उस समय कहा था कि बाबा श्याम अगर एक प्रेमी का भी काम बन जाएगा तो अपने आप को धन्य समझूंगा। यकीन मानना प्रेमियों, आप सभी, मुझे नहीं पता कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन आज से पहले जितनी बार भी इस वीडियो को डाला गया है लाखों लोगों ने, मिलियंस व्यू आए हैं वीडियो के ऊपर, तहे दिल से धन्यवाद है। और ज्यादा तो नहीं कहता, कम से कम 5 लाख लोगों से बाई फेस मिल चुका हूं और उन्होंने एक ही बात कही है कि बाबा ने मौज कर दी। अब आपकी भी मौज होने वाली, कैसे, एक एक काम करके दिखाऊंगा। सबसे पहले कहीं नहीं जाना, घर के मंदिर में बैठना है। आपके घर के मंदिर में कोई भी देवी देवता विराजमान हो, आपकी कुल देवी कुल देवता या जिस भी देवता को आप मानते हो, उसी जगह आप बैठ जाइए। नीचे आसन लगा होना चाहिए, पृथ्वी पर नहीं बैठा जाता, पृथ्वी के ऊपर आसन, आसन के ऊपर खुद बैठा जाता है। उसके बाद जो भी देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं उनके सामने दीपक जलाइए। बाबा श्याम की फोटो है तो बाबा श्याम की फोटो के सामने दीपक जलाइए, नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के फोन आए कि हमारे यहाँ तो बाबा श्याम की फोटो है ही नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास फोटो हो ना हो आप अपने घर के मंदिर में बैठिए और दीपक जलाइए। उसके साथ जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ थोड़ा सा जल है हमारे पास, हाथ में हम थोड़ा सा जल लेंगे और संकल्प करेंगे। अब संकल्प कैसे करना है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और बोलना है कि हे बाबा श्याम, आपके हम तस्वीर हो ना हो कोई बात नहीं, हे बाबा श्याम मेरा नाम ये है, पिता का या पति का नाम ये है, मैरिड महिलाएं हैं तो पति का नाम बोलेंगी, मेरा गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं, मेरे कुल देवता वो हैं, अपने कुल देवता का नाम बोलो, मेरी कुल देवी वो हैं, उनका नाम बोलो। हो सकता है आपके कुल देवता अकेले हों, कुल देवी ना हो, या हो सकता है कुल देवी अकेली हो, कुल देवता ना हो, दोनों हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरे पितर देवता वो हैं, अगर पितरों का नाम पता है तो बोलो, नहीं पता है तो कि मैं अपने पितरों को साक्षी मानकर आपके श्री चरणों में बैठा हूँ, आपके मंदिर में बैठा हूँ, इस समय मैं आपके दरबार में लिख कर अर्जी लगाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, अतः आप इस दीपक में जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए, मेरी भी लाज रखिए, मेरे कुल देवी कुल देवता मेरे पितरों की भी लाज रखिए, और जो अरदास आपको लगा रहा हूं लगा रही हूं शीघ्र अति शीघ्र उस अरदास को पूरी कर दीजिए। ऐसा बोलकर आपको जल नीचे की ओर छोड़ देना है। इस दौरान जो आपने संकल्प लिया है ना, ये एक मिनट का जो काम किया है, आपने बाबा श्याम को अपने घर का पता बता दिया, एड्रेस बता दिया, उसके साथ आपने अपने कुल देवी कुल देवता और अपने पितरों को, तीनों चीजों को याद कर लिया। अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो गुरु महाराज का भी स्मरण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको अरदास लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। कौन सी प्रक्रिया, क्या चाहिएगा आपको? सबसे पहले आपको चाहिएगा नारियल, ये नारियल देखो भाई, नारियल आपके पास जटा वाला नारियल है, ये चाहे सूखा हो या इसके अंदर पानी हो, जो भी अवेलेबल हो सके ले लीजिए, 10-15-20 रुपए का अलग अलग हिसाब से मिलता है तो आप ले लीजिए। उसके साथ आपको चाहिए 11 रुपए नारियल। ये जब दो चीजें आपके पास है तो ये आती है 5 रुपए की एक मोली, कलावा धागा जिसको बोलते हैं, लाल धागा आपके यहाँ जो भी बोला जाता होगा। उसके साथ हमें लेना है एक बिल्कुल नया पेज जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, एक नया लाल पेन, 2 रुपए का 5 रुपए का जो भी आता हो वो ले लीजिए। इसके बाद हमें अपनी अर्जी लिखनी है। ये जो लाल पेन है इसे कोई भी यानी दुकानदार भी चलाकर ना देखे। अब जो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये तरीका बताया जा रहा ना, भाई बाबा श्याम सामने बैठे हैं, आज तक तो जो अर्जियां लगाई गई है ना, बाबा श्याम ने अगर 100 अर्जियां लगाई हैं तो 70% प्लस अरदास बाबा ने स्वीकार की है भाई,
आप सब भी बोलते हो ना लगाओ अर्जी लगाओ, अब यहाँ कमेंट मत करने लग जाना लगाओ अर्जी नहीं, खुद लगाना जैसे बता रहा हूँ वैसे ही। क्यों? सर में दर्द आपके यहाँ है तो आप समझ सकते हो कितना दर्द है। मैं समझ नहीं सकता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है दर्द है, लेकिन समझ नहीं सकता कितना है। तो आपको खुद अरदास लगानी होगी। कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल है कि आपसे जुड़ना है, जुड़ना नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब इस पेज पर हमें ज्यादा बछड़ नहीं करनी, कम से कम लाइनों में अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। फिर साइड में लिखेंगे जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री हनुमान जी। हमने दोनों को याद कर लिया। अब हम नीचे अपनी अरदास लिखेंगे। अब मान के चलो आपकी अरदास है भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो ये नहीं लिखना कि बाबा श्याम मुझे नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे लिखना है, आपको नाम पता कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि संकल्प में आपने नाम पता एड्रेस बता दिया है अपना। अब लिखना है बाबा श्याम इस समय मुझे नौकरी की सख्त आवश्यकता है, अतः शीघ्र अति शीघ्र आप मुझे ये नौकरी दिलवाइए, मेरे कुल देवी कुल देवता पितरों की लाज रखिए और मेरी भी लाज रखिए। चलो आप सभी की तरफ से अब हम अर्जी लगा रहे हैं। हे मेरे बाबा श्याम, मेरे बाबा श्याम, मेरे शब्द जरूर प्रयोग किया करो हर देवी देवता के लिए। मेरे जहां अपनापन होगा ना वहां देवी देवता स्वतः ही काम कर देंगे। हे मेरे बाबा श्याम, इस समय जो भी श्याम प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी अन्य प्रेमियों के पास भेजे उसकी कोई भी एक मनोकामना आज अभी इसी समय पूरी कर देना, लाज रखना मेरे श्याम। ये जरूर बोलना आपको, लाज रखना मेरे श्याम। अब जब आपने ये अरदास लिख दी है, ये अरदास आप सभी के लिए लिख दी गई है भाई, कम से कम छोटे छोटे छोटी लाइनों में ज्यादा बातें कहने की कोशिश की गई है। तो जो प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद अन्य प्रेमियों के पास शेयर करेंगे, उन सभी की कोई भी एक मनोकामना आज कोई भी सोच लो आप, वो मनोकामना बाबा श्याम आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देंगे। अब मनोकामना क्या होती है? सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उन लोगों पर आता है, मेरे पास ऐसे हजारों फोन आते रहते हैं। एक उदाहरण दूंगा, मेरे पास एक महिला का फोन आया, उसने कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमने आपकी वीडियो देखकर अरदास लगाई थी, हमारी तो नहीं सुनी बाबा ने, अब आप झूठ बोल रहे हो या ऐसा कुछ होता भी है। मैंने कहा भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो मत देखा करो, कोई फायदा नहीं है यहाँ। तो मैंने पूछा कि अरदास क्या थी, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ बच्चे नहीं है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बच्चे नहीं है, आपने अरदास लगाई, बाबा सुनेंगे आपकी अरदास। तो उन्होंने कहा नहीं सुनी है। मैंने कहा कितने दिन पहले लगाई थी? कहा कि आज 16-17 दिन हो गए हैं। अब एक बात बताइए, आप लोग समझदार लोग हो, शाम सुबह खाना खाते हो, इंसान हो जानवर नहीं हो, 16-17 दिनों में बच्चा हो जाएगा क्या? थोड़ा सा तो बुद्धि होगी, थोड़ी सी तो यूज करो उसका। एक अरदास का समय 3 महीने का होता है, अगर 3 महीने में अरदास पूरी नहीं होती तो फिर दोबारा से एक नई अरदास लगाओ, जो ये बताया गया ना इसी प्रकार। और इस दौरान बाबा को बोलना कि बाबा जो अरदास लगी हुई है ना उसको याद दिलाने के लिए दूसरी अरदास लगा रहा हूँ, ये वही अरदास है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए दोबारा अरदास लगाई जा रही है, तो ठाकुर कृपा करिए। और अरदास ये नहीं होती उससे शादी करवा दे, उससे ये करवा दे, ना भाई ये अरदास नहीं है। लॉटरी लगवा दे, सट्टे का नंबर दिलवा दे, नहीं भाई। अगर ऐसी दतियानुसी बातों के लिए आए हो ना तो सबसे पहले तो वीडियो को डिसलाइक करो, नीचे कमेंटों में मुझे गालियां दो और यहां से चले जाओ, मुझे नहीं भीड़ इकट्ठी करनी भाई, नहीं जुड़ना ऐसे लोगों के साथ। जो बाबा के सच्चे अच्छे प्रेमी हैं वो अच्छी ही अरदास लगाएंगे और अच्छी ही अरदास पूरी होगी।
एक समय में केवल एक ही अर्थी लगाई जाएगी, एक प्रेमी एक ही अरदास लगाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद इस पेज को हम फोल्ड कर लेंगे। देखो एक एक काम आपको करके दिखाया जा रहा है। अब अगर आप वीडियो को स्किप कर करके आगे बढ़ोगे तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, वीडियो को दिल से देखा है और जैसा बताया गया वैसा कर दिया, हर हाल में मनोकामना पूरी है भाई। अभी 11 रुपए को इसके अंदर रख दोगे, फोल्ड कर लिया, अंदर रख दिया। अब जो हमारे पास कलावा था, उस कलावे के साथ इसको हम बांधेंगे। इसको हमने बांध दिया, ज्यादा भसड़ नहीं करनी, बस थोड़ा सा बांध दीजिए ताकि ये एक बार रुक जाए। और ये जो पेन है, काफी लोग पूछते हैं इसका क्या करें, तो ये देखो पेन है, इसके अंदर 11 रुपए हैं, ये अर्जी और ये नारियल। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसके साथ कपड़ा होता है, कपड़ा नहीं होता भाई। कपड़ा क्यों नहीं होता? कपड़ा अगर आपने रख दिया इसके अंदर तो किसी भी शाम मंदिर में लेकर जाओगे ना तो उसको खोल कर नहीं देखा जाएगा, उसे ऐसे ही दाएं बाएं फेंक दिया जाएगा, वो पड़ा रहेगा। अब अगर ये पर्ची सामने से दिखाई दे रही है ना तो कोई भी मंदिर के पुजारी या मंदिर के सेवादार इस पर्ची को निकालेंगे, आपकी अर्जी पढ़कर बाबा श्याम को सुनाएंगे तो आपकी अर्जी स्वीकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, अकेला नारियल लेके आओगे 10-15 रुपए का मिल जाएगा, अगर इसके साथ कपड़ा लेके आओगे यही नारियल 50 रुपए का हो जाएगा। तो हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना भाई, 5 रुपए का पैन, 5 रुपए की मूली, धागा 11 रुपए और एक ये नारियल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सके। अब कुछ प्रेमियों का सवाल आया कि इसका होगा क्या? ये जो रेड पेन है, ये जब प्रेमी दरबार में जाते हैं तो उनको प्रसाद के साथ वापिस बांट दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चों को ये पेन दे और इससे उनके घरों में सेवा हो सके, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। ये जो पर्ची है आपकी, जो कागज है, इस कागज को जब बाबा का हवन चलता है ना, उस हवन में आहुति दे दी जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार से प्रेमियों द्वारा भेंट की गई प्रसाद है। 11 रुपए जो होते हैं वो दान पत्र में डाल दिए जाते हैं। नारियल जो होता है इसको उसी समय, जब भी मतलब समय मिलता है, छील दिया जाता है, इसके अंदर से जो गोला निकलता है उसका प्रसाद बना के प्रेमियों में बांटा जाता है, और ये ऊपर का जो छिलका बचता है ना, इस छिलके की दवाई बनाई जाती है भाई। किसी अन्य जगह की तो मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता, लेकिन श्री श्याम शारवा धाम पर यही है, दवाई बनाई जाती है इसकी। किस चीज की? किसी को शरीर की एलर्जी हो, किसी का हाथ पांव कुछ जल गया हो, उसके ऊपर लगाने की फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उनकी दवाई बनती है इनसे। और ये जो मोली है, ये हवन में आहुति डालकर स्वाहा कर दिया जाता है इसको। उसके अलावा जो हर रोज शाम को बाबा श्याम की धूप के लिए, आरती के लिए धूप तैयार की जाती है, अग्नि तैयार की जाती है, तो इन नारियलों की अग्नि तैयार की जाती है, किसी और चीज की अग्नि नहीं होती। यानी आपके द्वारा मंदिर में दी गई एक एक चीज काम आती है, उसको फेंका नहीं जाता, कुछ गलत प्रयोग नहीं किया जाता, किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती, हर एक चीज काम आई है। और अगर आपकी हर एक चीज वहां मंदिर में पता नहीं कितने लोगों के काम आएगी, तो बाबा साहब तो आपकी अरदास वैसे ही पूरी कर देंगे मेरे भाई। बहुत सारी चीजें हैं जो सोचने समझने लायक है, अतः वीडियो को पूरा देखा करो, उसके बाद कुछ बोलना हो तो बोला करो, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे हैं मेरी ही वीडियो देखकर YouTube पर वीडियो बना दी और फिर मेरे अंदर ही कमियां निकाल रहे हैं कि ऐसे बताया जा रहा है। नहीं, सब बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, YouTube के इतिहास में सबसे पहली अरदास की वीडियो इस दास को बनाने का सौभाग्य मिला। एक एक बात सत्य है, जो भी वीडियो बनाई गई है कहीं किसी भी प्रकार से किसी से पूछा नहीं गया है, खुद का अनुभव आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। लगे Facebook पर देख रहे हो, YouTube पर देख रहे हो, लगे कि हाँ ये ठीक ठाक माहौल है, तो आप जुड़ जाइए, आपके अपने चैनल हैं, आपका अपना पेज है, व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों तक भेजने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि अरदास यही लगी हुई है। अब अगर नहीं भेजा तो भाई मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। हाँ, भेजोगे बाबा श्याम, जो भी प्रेमी आगे भेजे आप साक्षी हो, उन प्रेमियों की अरदास स्वीकार कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगे। जय श्री श्याम, राधे राधे।